और हमेशा इस बात की प्रैक्टिस भी की थी कि जब भी वो आएगा तो मैं नॉर्मली बिहेव करूंगा, लेकिन फिर जब वो आया तो मैंने खुद को फेल कर दिया। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मैंने ही हमेशा खुद को उससे कमतर समझा है। मेरा दिमाग मुझे बार बार ये ख्याल याद दिलाता है कि जब उसका दिल चाहेगा वो तुम्हें अपने साथ ले जा सकता है। उसके चाहने से क्या होता है? मैं कोई रैक पे रखी हुई चीज थोड़ी हूं कि जिसका दिल चाहेगा वो ले जाएगा। सलार, मैं जब तक किसी के साथ नहीं जाना चाहूंगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। और तुमसे बेहतर इंसान तो और कोई है ही नहीं। तुम्हें पता है, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती। तुम्हें पता है, आज डॉक्टर तबरेज ने मुझसे सवाल पूछा कि क्या मैं उन सब लोगों को काउंट कर सकता हूँ जिनको मैं अपना समझता हूँ, और मेरे पास तुम्हारे नाम के अलावा और कोई नाम नहीं था। पर फिर साथ साथ तुम्हें खो जाने का खौफ भी था। मैंने कभी अपने आप को इतना गरीब महसूस नहीं किया, शायद तब भी नहीं जब मम्मी मुझे एक दिन पुराना खाना खिलाती थी, या फिर मैं फटे पुराने कपड़े खुद ही पैवंद लगा के पहन लेता था। और अब कैसा महसूस करते हो? किसी बादशाह जैसा। मेरी कसम, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। ये क्या कर रहे हो सलार? सही है ना, जिस दिन तुम अपनी कसम से मुकरी उस दिन मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो मैं इस दुनिया का होकर क्या करूंगा ईमान? काफी ड्रामेटिक बात है ये, क्या कर रहे हो? अच्छा, खाई कसम, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हंस क्यों रही हो? तुम्हारी बातों पे, तुम्हारी हरकतों पे। वैसे दे क्यूट। चलिए।